We hit 30,000 subscribers, 5 videos last month, and Kunal Malhotra texted me on Instagram. Thank you so much guys, thank you. मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है. Thank you guys, you have no idea मैं अंदर से कितना blessed feel करता हूँ जब मैं तुम्हारा comment देखता हूँ. You guys are literally like light rays to me. जब भी मैं demotivated या फिर uninspired होता हूँ. और वो fake वाला light rays नहीं जो हम अभी 5 मिनट में बना देंगे मोबाइल में. देखो कोई भी लाइट रेस का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि एनवायरनमेंट में अगर फॉग या मिस्ट या फिर स्मोक टाइप का कुछ चीजें है तो ही लाइट रेस दिखाई देगा. बट अगर एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है तो तुम्हें लाइट रेस नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है जहां पे लाइट एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों पर आ सकता है. बट दुनिया के नियमों को हम मिडिल फिंगर दिखा के सीधा चले जाएंगे लाइटरूम मोबाइल पे. सो दीज आर द टू फोटोज जहाँ पे हम लाइट रेज लाएंगे बस 5 मिनट में. सो मैंने ये एकदम सिंपल टू थोड़ा कम्प्लेक्स के हिसाब से सेट किया है. सिंपल क्यों? क्योंकि इस फोटो में ऑलरेडी फॉग है एनवायरनमेंट में और जिस फोटो में ऑलरेडी फॉग या मिस्ट है उस पे लाइट रेज क्रिएट करना इज वेरी इजी लाइक दिस वन. देखो इसको स्टार्ट करने के लिए एक बेस कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं और कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि 20 मिनट्स का वीडियो किसी को नहीं देखना. लाइट रूम सिनेमैटिक फोटोज कलर ग्रेडिंग का ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड कर चुका हूँ. You can check it here. बस इस स्पेसिफिक टाइप की फोटोज के लिए क्योंकि हम लाइट रेज ला रहे तो कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं थोड़ा डार्किश सिनेमैटिक डार्किश टोन रख रहा हूँ कलर ग्रेडिंग में. तो कलर ग्रेडिंग के बाद हमें समझना है कि एक्चुअल इमेज में लाइट आ कहाँ से रही है. और इस इमेज को देख के मुझे लग रहा है कि लाइट सोर्स इज ऑन द टॉप और थोड़ा राइट को हम बेंड कर सकते हैं टू मेक इट अ सिनेमैटिक लाइट रेज. सो नेचुरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो ट्रीज के बीच में गैप्स है उस पे से हम लाइट लीक करेंगे, आई मीन लाइट रेज लीक करेंगे. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमेंबर यू नीड द फुल वर्जन ऑफ लाइटरूम मोबाइल फॉर दिस. अब तुम उसे खरीद भी सकते हो और यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो क्योंकि तभी तुम्हें ये सिलेक्टिव टूल्स का ऑप्शंस मिलेगा जहाँ पे तुम लाइट रेस हो, स्मोक हो, फॉग हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से. एंड बिलीव मी यू नीड दिस टूल इन योर लाइफ लाइक वैक्सीन, चाहे उसके लिए तुम पैसा खर्च कर रहे हो या फिर नहीं. बस एक चीज़ याद रखना, ये जो लाइटरूम है, फोटोशॉप या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, ये सब एडोबी एप्लीकेशंस आर लाइक सिगरेट्स. पहली बार है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त काम आ जाएंगे. तो ग्रेड हो जाने के बाद हम सीधे जाएंगे ये लेफ्ट साइड नीचे सिलेक्टिव टूल्स पे और सिलेक्टिव टूल्स पे अभी हम जो यूज़ करेंगे वो है ब्रश टूल. बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट valuable tool you can have in your pocket while editing these kind of photographs. तो brush select करने के बाद देखना ये तीनों options आ जाएंगे. इन तीनों options को तुम एक एक करके select करके ऊपर नीचे drag करके opacity, size, flow change कर सकते हो अपने हिसाब से. तो photo के हिसाब से जो light gap है उसके size के हिसाब से brush point select करो, उसका flow maximum रखो और एक confident stroke draw करो. कैसा? कॉन्फिडेंट स्ट्रोक, एक नॉर्मल सीधा लाइन बस और कुछ नहीं. जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि लाइट जा रहा है उसके हिसाब से एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो एक ही बार में. देन जस्ट गो टू द एक्सपोजर एंड जितना हो सके एक्सपोजर को बढ़ा दो. अब देखना अगर वो पार्ट ओवर एक्सपोज हो रहा है थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाने से तो तुम्हारा इमेज ऑलरेडी थोड़ा ब्राइट साइड पे है तो मेक श्योर यू कीप इट ए लिटिल डार्क ताकि वो कॉन्ट्रास्ट और ओवर एक्सपोज ना हो. एक्सपोजर के बाद हम कॉन्ट्रास्ट पे भी थोड़ा कम करेंगे और उसके बाद सीधा चले जाएंगे ये विनियड वाले सेक्शन पे जहां पे हमें मिलेगा क्लैरिटी एंड डीहेज. डीहेज एंड क्लैरिटी स्लाइडर को, मेनली डीहेज, डीहेज स्लाइडर को जितना हो सके कम करो तो देखना वो फॉगी मिस्टी वो लाइट रेज एक्चुअली क्रिएट हो जाएगा. अभी इमेज के हिसाब से रिजल्ट्स भी डिफरेंट होगा क्योंकि कुछ इमेज में ऑलरेडी एक बार में ही तुम्हारा लाइट रेज क्रिएट हो जाता है, कुछ इमेज में तुम्हें डुप्लीकेट करना पड़ता है लाइक दिस. तो इसके लिए मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूं एंड लेट्स क्रिएट डुप्लीकेट. अभी इस ब्रश पॉइंट को सिलेक्ट करके तुम्हें और भी ऑप्शन मिल जाएंगे. इसमें एक और ऑप्शन से इरेजर, जो जो पार्ट से तुम ये इफेक्ट रिमूव करना चाहते हो उस पार्ट में इरेजर को यूज करो अपने हिसाब से तो वो पार्ट से तुम्हारा इफेक्ट कम होता जाएगा. और इरेजर के साथ भी ये तीन ऑप्शन आता है, तुम फ्लो, ओपेसिटी, साइज चेक कर सकते हो. फाइनली इसको थोड़ा और ड्रीमी लुक्स देने के लिए ऊपर जो ट्री का गैप्स है उस पे मैं एक और डीहेस फिल्टर यूज करूंगा ताकि ये थोड़ा और मिस्टिक ड्रीमी वाइब आ जाए. और नीचे वाले पार्ट में भी मैं हेज फोटो के नीचे वाले पार्ट में भी मैं हेज लाऊंगा. अब
भी इस फोटो में कोई फॉग नहीं। तो पहली चीज जो करेंगे वो है कलर ग्रेडिंग में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे और डी हेस को हम थोड़ा डिक्रीज करेंगे और क्लैरिटी को भी, ताकि फोटो में ऑलरेडी एक टाइप ऑफ फॉग या हेज आ जाए जो तुम्हें नॉर्मली दिखाई नहीं देगा बट उस इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी एक बेस कलर ग्रेडिंग कर देते हैं। रिमेम्बर थोड़ा डार्क ग्रेड करना है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट लाइट रेज। उसके बाद समझना है कि लाइट हम कहाँ पे डालेंगे और लाइट एक्चुअली फोटो में आ कहाँ से रही है। यहाँ पे लाइट आ रहा है थोड़ा लेफ्ट से राइट और थोड़ा पीछे से आ रहा है। तुम सब्जेक्ट को देख के भी समझ सकते हो कि लाइट कहाँ से आ रहा है। और ये चीज पे हमेशा ध्यान देना शेडो या फिर लाइट क्रिएट करने के टाइम की लाइट का डिरेक्शन कौन सा है, क्योंकि अगर लाइट यहाँ से आ रहा है और तुम लाइट रेज मार रहे हो यहाँ से तो, और इस स्पेसिफिक इमेज में मैं उतना बड़ा ब्रश यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई लाइट सोर्स या फिर लाइट फॉग नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत थीन लाइट रेज क्रिएट करेंगे। तो चले जाओ सिलेक्टिव टूल्स पे, ब्रश को सिलेक्ट करो और अपने हिसाब से लाइट को समझ के एक कॉन्फिडेंट स्ट्रोक ड्रॉ करो। उसके बाद सेम टेक्निक, एक्सपोजर को पूरा बढ़ा दो, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम करना, हाईलाइट्स को ज्यादा करना, शेडोज को ज्यादा करना, स्पेसिफिकली इस टाइप की इमेज के लिए जहाँ पे तुम्हारा फॉग या फिर मिस्ट नहीं है, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, शेडोज को ज्यादा करना है और डी हेस को जितना हो सके डिक्रीज करना है। वही तुम्हें एक्चुअल में फॉग या फिर थोड़ा फेक फॉग लाके देगा। तो इंटेंसिटी के हिसाब से तुम डुप्लीकेट कर सकते हो 2-3 बार अपने हिसाब से टू क्रिएट दैट रियलिस्टिक ओरिजिनल लाइट रेज इन द गलीज। सिर्फ लाइट रेज के लिए क्यों? ये ब्रश वाला टेक्निक ना हम लाइट को शेप करने के लिए यूज कर सकते, किसी भी इमेज पे यूज कर सकते टू गिव इट अ 3D फील। एग्जाम्पल चाहिए तो फ्लैट लाइटिंग की वजह से ये पिक्चर भी बहुत फ्लैट है। तो ब्रश टूल, सिलेक्ट द ब्रश टूल, इसको थोड़ा बड़ा करना है, सॉफ्ट करना है और ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है। फिर जहां तुम्हें लाइट कम चाहिए अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, फ्रीली ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद तुम जितना हो सके ब्रश टूल सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ब्रश साइज ओपेसिटी सिलेक्ट करके जहां जहां पे तुम्हें लाइट ज्यादा चाहिए वहां पे तुम लाइट ज्यादा कर सकते हो। दिस विल क्रिएट नॉट ओनली अ डेप्थ बट ए वेरी ड्रामाटिक कॉन्ट्रास्टी इमेज। और सिर्फ लाइट रेज ही नहीं, तुम कोई भी स्पेसिफिक पार्ट्स का अलग अलग करके चूज करके, टेम्परेचर, वाइट बैलेंस, सैचुरेशन, ब्लरिंग, कुछ भी स्पेसिफिक पार्ट का तुम चूज करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सेम लाइक पेंटर्स एंड एग्जैक्टली सेम लाइक तुम चूज कर सकते हो तुम्हें लाइक करना है कि नहीं, तुम्हें कॉमेंट करना है कि नहीं, तुम्हें सब्सक्राइब करना है कि नहीं। बट कुछ भी हो, ऑलवेज रिमेंबर, फेक लाइट रेज हो या फिर गर्लफ्रेंड से किया हुआ वादा, जितना कम हो उतना ही अच्छा, बाद में कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है।